those numbers those numbers which can be expressed those numbers which can be expressed in the form of p upon q where q is not equal to 0 are called those numbers which can be expressed in the form of p upon q where q is not equal to 0 are called rational numbers example two upon three seven upon 11 13 upon which we 13 upon 17 इस तरीके से कोई भी आप नंबर ले लीजिए यानी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर ये रैशनल नंबर होते हैं उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये तो रैशनल नंबर हो गए फिर हम ये देखेंगे कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं irrational numbers irrational numbers isme likhenge those numbers which are not rational numbers those numbers which are not rational numbers are called irrational numbers example under root 2 under root 3 comma pi etc याद रहे कि पाई जो होता है ना पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है अब हमें ऐसे कैसे पता चला कि रूट 2 को मैं 2 अपॉन 3 या 7 अपॉन 11 या किसी भी तरीके से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मैं नहीं लिख पाऊंगा मैं रूट 3 को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा ये मुझे कैसे पता चला तो इसमें भी हम और ज्यादा इसको प्रिसाइज करने के लिए और ज्यादा इसको एक्यूरेट करने के लिए डेफिनेशन को एक और चीज बताते हैं इसमें कि देयर आर नोट कर लीजिएगा मोरओवर मोरओवर देयर आर बेटा यहां तक तो सभी को क्लियर है ना जो बता रहा हूं Yes, sir. ठीक है yes, sir. अच्छा excuse me हाँ जी सर अगर irrational numbers की definition exam में लिखेंगे तो marks मिलेंगे इसके बिल्कुल मिलेंगे 100% marks मिलेंगे ये definition लिखोगे तो 100% मिलेंगे marks ठीक है नहीं सर irrational की ये definition लिखेंगे तो 100% marks मिलेंगे NCERT में भी यही mentioned है यही definition है और R.D. Sharma में भी यही definition है ठीक है उन्होंने इरेशनल को अलग से एक्सप्लेन नहीं करा उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि जो नंबर रैशनल नहीं होते उन्हीं को इरेशनल बोल देते हैं ठीक है अब आप नोट करेंगे मोरओवर एनी डेसिमल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अब ये है कि डेसिमल नंबर को किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है ये देखना है
डेसिमल नंबर को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे देखो, जैसे मान लो इधर 2/3 है, तो 2/3 को मैं जानता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको, हम लिख सकते हैं कि 0.666666 ये होता है, मतलब मैं इसको डेसिमल की फॉर्म्स में लिख सकता हूँ। तो हम ये कहेंगे एनी डेसिमल नंबर, मतलब कोई भी अगर मेरे पास रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर कहीं पर भी दे रखा है, तो मैं उसको डेसिमल की फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब मैं अगर उसको डिवाइड करूंगा तो वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर बोलता हूँ डेसिमल नंबर्स, इसकी कैटेगरी हो गई, डेसिमल नंबर जो है इनकी ना कैटेगरी हो गई, क्या एक तो हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरी कैटेगरी हो गई नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो दो कैटेगरीज हो गई। अब आप ये देखिएगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो अभी बताता हूँ। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है रिपीटिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। दो तरीके के हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। अब मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लिखा हुआ है 10/4, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 2 8, 10 - 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 के आगे 0 लगाया तो 20 हो गया, 4 5 20। तो 10 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो ये पूरी तरह से डिवाइड होकर ये नंबर खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो खत्म हो जाए, तो ये नंबर डिवाइड होकर खत्म हो गया, 10/4 करा तो 2.5 आ गया, 2.5 का मतलब ये नंबर डिवाइड होकर खत्म हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, टर्मिनेटिंग। इस नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। अब दूसरा नंबर देखते हैं कोई और, जैसे मान लो 10/3 है, क्या 3 के टेबल में 10 आता है? हम ये कहेंगे नहीं आएगा, 3 3 9 होगा, ये हो गया 3 3 9, फिर 10 - 9 करा तो कितना आ गया, 1 आ गया, 1 के आगे 0 लगाएंगे फिर से 10 बन गया, फिर से 3 3 9, 10 - 9 फिर 1 आया, 1 के आगे 0 लगाया फिर से 10 बन गया, फिर से 3 3 9, 3.333 लाइक दिस ये आता चला जाएगा, 3.3333 ये ऐसे आता चला जाएगा। अब आप ये देखो कि अब इसमें ये नंबर जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो क्या ये नंबर खत्म हो रहा है? ये नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा। आप इसको डिवाइड करते जाओ तो 3.333333 ये आते ही चले जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप इसको अप्रोक्सीमेटली ये मान लेते हो कि चलो इसको 3.33 माना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक माना और फिर इसको खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। लेकिन वो हमारी अजम्पशन है, वो अपने आप से खत्म नहीं हुआ, वो तो लगातार चलता ही जा रहा है। और दूसरी चीज मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि एक ही डिजिट ऐसी है जो बार 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 खुद को रिपीट कर रही है, मतलब ये जो डिजिट है ना 3, ये 3 3 3 3 3 3, तो दिस डिजिट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। एक तो ये चीज है कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है और खत्म नहीं हो रहा है, पहली चीज तो, जैसे ये 2.5 खत्म हो गया यहीं, अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा। और इसी तरीके से ये वाला जो नंबर है, ये एक तो खत्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। दूसरी चीज कि इसमें कोई एक डिजिट ऐसी भी है जो लगातार रिपीट हो रही है, जैसे कि 3, तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं बोलूंगा कि एक तो ये खत्म नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग।
और फिर इसमें एक डिजिट रिपीट हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. तो ये हो गया तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मेरी बात समझ में आ गई? इतना सबको क्लियर है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में क्या फर्क है, ये समझ में आ गया? यस सर. बताइए विदित, क्लियर है? यस सर. निशा, दिव्यांशी, आप दोनों बताओ. यस सर. ठीक है, चलिए. अब मैं ये कहता हूं कि अब इसमें एक चीज और देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है 22/7. 22/7, तो इसमें क्या होगा, जब इसको डिवाइड करते हैं तो बेटा ये आता है 3.142857 डॉट डॉट डॉट. ये क्या है कि अलग 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 टर्म आती चली जाएंगी. वो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन भी नहीं आएगा कि कोई एक दो नंबर हो या पांच नंबर का ग्रुप हो वो अपने आप को बार 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 रिपीट कर रहा हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं आएगा. तो ये जो नंबर है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर भी खत्म नहीं हो रहा है. साथ में इसमें कोई एक दो या तीन डिजिट ऐसी नहीं है जिनको, जिनका ग्रुप अपने आप को बार 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 रिपीट कर रहा हो, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अब ये पूरी कहानी आपको किस लिए समझाई गई है, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं ये वाले, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर प्लस रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एक तो टर्मिनेटिंग वाले, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले. ये दोनों जो नंबर होते हैं, ये नंबर होते हैं बेटा रैशनल नंबर्स. मतलब अगर इन नंबर्स को सॉल्व किया जाए, अगर इन नंबर्स को सॉल्व किया जाए तो दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. लेकिन एक कॉम्बिनेशन ये वाला बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर प्लस नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले जो होते हैं इनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स. ये होते हैं इरेशनल नंबर्स. बताइए जी, समझ में आ गई मेरी बात? यस सर. ठीक है, ये ज्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की. जो बेसिक डेफिनेशन है जो आपने अभी तक पढ़ी होगी 9th क्लास तक भी, और आज भी जो आप 10th क्लास की बुक में देखेंगे वो यही डेफिनेशन है. लेकिन जो ज्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूं, वो नोट करेंगे आप, कि जहां पर भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा, तो ये दोनों कैटेगरी के नंबर जो है इनको तो कहते हैं हम रैशनल नंबर, either this or this. ठीक है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग मेरे को मिल जाता है तो उसको मैं बोलता हूँ इरेशनल नंबर. समझ गए? तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं, लिखेंगे therefore therefore all the terminating decimal numbers or non-terminating and repeating decimal numbers or non-terminating and repeating decimal numbers are rational numbers whereas
एक्सक्यूज मी सर, बताइए। नहीं सर, हो गया, डाउट क्लियर हो गया वो। अच्छा, whereas all the non-terminating all the non-terminating and non-repeating non-terminating and non-repeating decimal numbers are called irrational numbers. Are called irrational numbers. अब एक तो ये चीज हो गई। अब क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि कभी भी मैं एक नोट आपको लिखवाऊंगा, उस चीज को एग्जाम में मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है, वो सिर्फ आपके खुद के समझने के लिए है। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं नोट जस्ट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इस चीज को एग्जाम में मत मेंशन करके आ जाना, कभी एग्जाम में टीचर कहे कि क्या ये उल्टा सीधा लिख दिया। ठीक है, अब पता नहीं उनको भी ये चीज पता होगी या नहीं पता होगी, आपको एक चीज बताता हूं, रुकिएगा। सिर्फ आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसे हमने ये बताया कि डेफिनेशन तो यही है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो रैशनल नंबर होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग डेसिमल नंबर है वो भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर है वो हमारा इरैशनल नंबर होगा। अब इसमें ना हमें ये देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मुझे पता कैसे चले। अगर मान लो डिवाइड करना है तो फिर मैं डिवाइड करता जाऊं लगभग 8, 9, 10 डेसिमल प्लेसेस तक करता जाऊं डिवाइड, पर डिवाइड करने के बाद मैं ये कहूं कि मैंने 10 डेसिमल प्लेसेस तक चेक कर लिया है, अब तक कोई डिजिट जो है ना तो वो खत्म हो रहा है ये डिविजन, और ना ही कोई डिजिट है जो अपने आप को रिपीट कर रही है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इस वजह से ये इरेशनल है ना। तो ये जो मेथड है ये बड़ा लंबा मेथड है, और ये मेथड आप लोग 9th में नंबर सिस्टम में कर चुके होंगे। लेकिन अब यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि जैसे मैंने आपको इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स अभी लिखवाए थे, वही एग्जांपल को रेफरेंस बनाकर, और मैं आपको पहले बताता हूँ, पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे नोट में, ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये किसी भी नंबर को, दुनिया के किसी भी नंबर को देखते ही आप ये बता दोगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो दो ही तरीके के नंबर होते हैं जो इरेशनल होते हैं, बाकी सब रैशनल होते हैं, ये आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। कई बार होता है ना, किसी किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि प्रूव दैट दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर, किस तरीके से प्रूव करेंगे। कई बार ये होता है कि वो आपसे पूछेंगे कि चेक वेदर द गिवन नंबर इज रैशनल और इरेशनल, जब वो चेक पूछेंगे, जब उन्होंने बोला प्रूफ, तो प्रूफ का मतलब तो ये है कि वो इरेशनल प्रूफ होगा ही होगा, है ना। लेकिन जब वो बोल रहे हैं कि चेक करना है आपको, तो चेक का मतलब ये है कि वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आप उसको कितना कम टाइम में कितना सटीक तरीके से कर सकते हैं। तो आपको इसमें ये नोट करना है पहला पॉइंट कि अंडर रूट के अंदर लिखेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर, इज ऑलवेज इरेशनल। एग्जाम्पल अंडर रूट के अंदर 2 लिख दिया, तो क्या 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना। अच्छा, अगला देखते हैं, अगला लिख दो अंडर रूट के अंदर 3, तो 3 क्या 3 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हम ये कहेंगे नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल है। उसके बाद अगला नंबर क्या आता है? अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 नहीं लिखूंगा। क्यों?
क्योंकि फोर जो है वो होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर अगर आ गया तो वो रैशनल हो जाएगा। इसी वजह से अंडर रूट के अंदर सिर्फ इम्परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब वन परफेक्ट स्क्वायर होता है, फोर होता है, नाइन होता है, फिर 16 होता है, 25 होता है, तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स है ना उन सबको छोड़कर बाकी दुनिया के जितने भी नंबर हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर्स उन सबको अगर आप अंडर रूट के अंदर डालोगे सारे इरेशनल आते हैं। ऐसे ही अंडर रूट 5 भी इरेशनल, अंडर रूट 6 भी इरेशनल, अंडर रूट 7 भी इरेशनल, अंडर रूट 8 भी इरेशनल, अंडर रूट 9 इरेशनल नहीं होगा क्योंकि 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट 10 इरेशनल, अंडर रूट 11 इरेशनल एटसेट्रा। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अंडर रूट के अंदर अगर कभी भी आपको एक इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझ लेना कि जो गिवन नंबर है वो इरेशनल ही है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा, दूसरा, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई एक्सेप्ट एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ 7। पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं केवल 7 के मल्टीपल्स को छोड़ दो, मतलब 7 पाई, 14 पाई, 21 पाई, 28 पाई, 35 पाई, 7 के मल्टीपल्स को छोड़ दीजिए, बाकी पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं सारे के सारे इरेशनल होते हैं। ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ 7 आर इरेशनल। ठीक है जी, बताइए जी, यहां तक तो क्लियर है? यहां यस सर, तक यस क्लियर? सर, ठीक है। यस। हाँ जी, अब इसके बाद मुझे क्या करना है वो देखिएगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। तो ये जो पूरी कहानी हमने देखी, इस कहानी में हमने ये देखा कि दो तरीके के हमारे पास नंबर होते हैं, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? ऑल द नंबर्स which can be expressed in the form of p upon q where q is not equal to 0 are called rational numbers. dusra, all the numbers which are not rational numbers are called irrational numbers. theek hai, iske alawa humne ye kaha ki ye to definition hum ab tak dekhte aaye hain, hum maloom hai rational number ki, uske baad humne kaha ki jo decimal numbers hain, decimal numbers do tarike ke hote hain, terminating decimal number aur non terminating decimal number. terminating ka matlab kya hai ki divide hua aur khatam ho gaya, वो टर्मिनेटिंग हो गए जैसे कि 2.5, ठीक है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, तो वो कौन से होते हैं कि जैसे कि 3.3333 ना तो खत्म हो रहा है और साथ साथ रिपीट भी होता जा रहा है, तो ये भी सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद तीसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये जितने भी होते हैं इन सबको हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर्स। उसके बाद हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक फंडा डेवलप कर रखा है, उसको हम कहीं पेपर में मेंशन नहीं करेंगे, बस खुद देख लेंगे। अंडर रूट के अंदर अगर मुझे इम्परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो मैं कहूंगा वो इरेशनल है। 7 के मल्टीपल्स को छोड़कर पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो सारे के सारे मल्टीपल्स जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और ये पाई वाला जो है ये आपको मैं आगे फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, यहाँ यहाँ जो है 10th क्लास के लेवल पर आपसे ये वाला भी कंसेप्ट पूछा नहीं जाएगा, केवल ये वाला पूछा जाएगा, ठीक है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस क्वेश्चंस देखते हैं इरेशनैलिटी प्रूव करने वाले जो बोर्ड में आते हैं, और उसमें आप ये देख लीजिए आपको कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मेरे को याद रखने हैं और एक का मैं देख लूंगा तो हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स लगते हैं, ठीक। तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, ये है आरडी में पेज नंबर 1.41 एग्जांपल नंबर 1,
मैं ये सारा मिटा लूंगा, आपने नोट कर लिया हो तो? यस सर। ठीक है, दिशा नोट कर लिया सर? दिशा नोट कर लिया सर? दिशा मेरी आवाज आ रही है? दिव्यांशी तुम्हें आ रही है? यस सर। अमन? यस सर। चलिए ठीक है, पेज नंबर 1.41, एग्जाम्पल नंबर 1। पेज नंबर 1.41, एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। That root 2 is an irrational number. हमें ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो एक तो डायरेक्ट मेथड है जो आप लोगों ने 9th क्लास में करा है, वो डायरेक्ट मेथड ये था कि आप स्क्वायर रूट लेना शुरू कर दें 2 का, आप 7 या 8 डेसिमल प्लेसेस तक लेते चले जाओ और फिर आप ये कहेंगे कि वो एक मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मेरे को मिल रहा है, तो फिर वो क्या है कि वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए हमने कहीं पर लिखा हुआ है 4/8, मान लो 4/8 लिखा हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि दिस नंबर ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है ये नंबर, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। इसकी एक कंडीशन और होती है कि इसको ना बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखते हैं, मतलब जहां तक ये डिवाइड हो सके वहां तक हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 4 × 4, 4 × 8, ये हो गया 1/2। और इसमें हम ये बोलेंगे कि 1 और 2 हियर, 1 and 2 are co-prime. Co-prime का मतलब क्या है? That is, they do not have any common factor. They do not have any common factor. ठीक है ना? तो ये एक तरीका होता है rational numbers को represent करने का। हालांकि अगर आप 4/8 लिखेंगे तो भी वो गलत नहीं है, 4/8 अगर आप लिखेंगे तो भी वो गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि कन्वेंशनली एक तरीका चलता आ रहा है कि आप उसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। क्यों? क्योंकि समथिंग अपॉन समथिंग ये रेशियो है, और रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, उसको कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते कि अगर मान लो 1/2 है और कहीं पर रेशियो की बात हो रही है 1/2, अब कोई तो उसको बोल रहा है 6/12 ना, और कोई उसको बोल रहा है 25/50, कोई उसको बोल रहा है 35/70। तो इस तरह से रेशो जो है ना, वो रेशो हर इंसान अपने समझ के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से उसको अलग अलग वैरी करता रहेगा। तो इसलिए एक ये रूल बना दिया गया कि जब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक उसको हम रेशो नहीं बोलेंगे। तो रेशो क्या होगा, जब जो भी आपको दे रखा है उसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना, मतलब ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों का फिर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 35 और 70, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 35। 35 से दोनों ही डिवाइड हो गए, 35 × 35, 35 × 70, 25/50, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 25। तो दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मेरी बात सबको समझ में आ गई ना, ये चीज आप कर चुके हैं अब से छोटी क्लासेस में भी, कि कोई भी मेरे पास ऐसा रैशनल नंबर आता था तो आप उसको सिंप्लीफाई करके लिखते थे, याद है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir.
चलिए अब देखते हैं तरीका, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये एक ऐसा तरीका है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, स्टेप्स हैं, आप लिखिएगा यहां पर ऑन द कॉन्ट्रारी ऑन द कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्रारी का मतलब कुछ ऐसा जो बिल्कुल उल्टा हो, जैसे कि मान लो मैं तो बैठा हूं, मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई उजाला हो रखा है, पूरे एटमॉस्फेयर में उजाला हो रखा है और ये रोशनी रोशनी है, इससे ये समझ में आता है कि दिन निकला हुआ है। और तभी के तभी आप ये कहने दो कि नहीं नहीं हम एक काम करते हैं, हम ना कुछ उल्टा मान लेते हैं, हम ये मानते हैं कि दिन निकला हुआ है तो दिन नहीं है रात है। समझ गए, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है हमेशा उल्टा चलना, कि आप के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं बेटा इस टाइम ना इस टाइम तुम बैठ कर पढ़ाई कर लो, ठीक है, और आप कहोगे नहीं 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 ये पढ़ने का टाइम नहीं है, ये तो मेरे खेलने का टाइम है, तो आपने क्या करा, आपने उल्टा करा। ठीक, कोई आपसे कह रहा है कि भाई आप सो जाओ, आप कहोगे कि नहीं नहीं ये सोने का टाइम नहीं है, तो मेरे जागने का टाइम है। तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब आप उल्टा कुछ कर रहे हैं। तो मैं इसमें उल्टा कर रहा हूँ और उल्टे को सीधा बनाएंगे इसमें, कैसे, उन्होंने बोला कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है, तो आप लिखेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब कि आपने उल्टा मान लिया, हमें प्रूव करना था कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, लेकिन आपने ये मान लिया कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, उल्टा मान लो। अच्छा चलिए जी, ऑन द कॉन्ट्रेरी लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ये हमने मान लिया। देन लेट रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, दैट इज दे डू नॉट हैव, दैट इज दे डू नॉट हैव any common factor, that is they do not have any common factor। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 upon 8 को simplify करके हम लिखेंगे तो 1 upon 2 आ जाएगा, 1 और 2 का कोई common factor नहीं होता। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ और 21 upon 49, तो दोनों का क्या कोई common factor है? हम बोलेंगे yes, common factor है 7, 7 3 का 21, 7 7 का 49, तो ये 3 अपॉन 7 जब बनेगा तब मैं इसको बोलूंगा कि ये एक रैशनल नंबर है, नहीं तो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। मेरी बात यहां तक सबको समझ में आ गई? यस सर। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब वो रैशनल है। तो मैंने मान लिया कि लेट रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम का मतलब जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब अगला स्टेप क्या करेंगे देखिएगा, हम यहाँ पर बोलेंगे, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, फिर कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ए का स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करो, मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं। चलिए 2 को ले आते हैं डिनोमिनेटर में, मैंने क्या करा 2 को डिनोमिनेटर में लाया, तो मैं 2 को तो यहाँ ले आया ए स्क्वायर के नीचे और बी स्क्वायर को इधर ले गया, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। मेरी बात समझ में आ गई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स
ए स्क्वायर, फिर टू जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो ए को भी डिवाइड करेगा। भाई टू टू अगर फोर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, टू अगर फोर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो फोर को भी तो डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू डिवाइड ए स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट टू डिवाइड ए। ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसको मैंने लिख दिया स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये है कि टू डिवाइड्स ए, टू डिवाइड्स ए का मतलब ये है ए अपॉन टू इज इक्वल टू सी। इसको सी मान लो, यहां पर लिख दिया से, यहां पर मैंने लिख दिया से कि मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो टू ए अपॉन टू है बिकॉज टू डिवाइड्स ए, टू जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है। तो जब टू ए को डिवाइड करेगा तो करने के बाद कुछ वैल्यू तो आएगी, उस वैल्यू को मैंने सी मान लिया। ए अपॉन टू इज इक्वल टू सी, ब्रैकेट में लिख दिया से, से मतलब ऐसा मैंने मान लिया। उसके बाद हम ये कहेंगे इट इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू टू सी, ए इज इक्वल टू टू सी। अब क्या करना है, ए इज इक्वल टू टू सी हो गया। तो अब मैं बोलूंगा ये हमारे पास, हाँ इस वाली इक्वेशन को मैंने वन माना था, इसको बोल दीजिए टू, ठीक है। ए इज इक्वल टू टू सी यहां लिखेगा, पुट दिस वैल्यू, इन सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू कर दो इसको, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह टू सी डाल दीजिए, टू सी का स्क्वायर अपॉन टू। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर अपॉन टू, तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया टू सी स्क्वायर। मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि टू जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए। तो अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि टू b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट इंप्लाइज दैट टू डिवाइड्स b स्क्वायर। जब टू b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब वो b को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैंने यहां देखा था कि टू a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू a को भी डिवाइड करेगा। सेम उसी तरीके से अब टू b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब टू b को भी डिवाइड करेगा। It implies that 2 divides b, इसको बोल दीजिए statement number second। अब आप ये देखेंगे, मैं यहां लिखूंगा from statement first and second 2 divides a as well as b, that is 2 is a common factor of a and b, so our assumption that root 2 is a rational number was wrong and hence by the method of contradiction root 2 is an irrational number। ठीक है, सभी बच्चे यहां तक नोट कर लीजिए, समझ में आ गया सभी को? हमने ये सर आ गया। सबसे पहले ये माना था कि root 2 को आप उल्टा मान लो, आप मानो कि root 2 एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को मैंने क्या करा कि a अपॉन b के फॉर्म में मैंने लिख लिया।
वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, दैट इज दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, मतलब ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, ये मैंने मान लिया शुरुआत में। फिर हमने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो रूट टू का स्क्वायर हो गया टू, टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। फिर मेरा क्या टारगेट रहता है कि टू को डिविजन में लेकर चला जाऊं, तो मैंने क्या करा, मैं टू को इधर ले आया और बी स्क्वायर को इधर ले गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू हो गया। बस मेरे काम की चीज इतनी है, ए स्क्वायर अपॉन टू आ गया, तो मैं कहूंगा टू डिवाइड ए स्क्वायर, जब टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स कि टू ए को भी डिवाइड करेगा, तो ये मेरी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हो गई। जब टू जो है वो ए को डिवाइड करेगा यानी कि ए अपॉन टू होगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर वैल्यू तो आएगी, तो उस वैल्यू को मैंने मान लिया सी, मैंने माना, इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया सी, सी का मतलब ये है कि ऐसा हमने मान लिया, तो ए अपॉन टू इज इक्वल टू हो गया सी। उसके बाद टू को इधर मल्टीप्लाई करा, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, टू सी, ए की वैल्यू हो गई टू सी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू, ये वाली जो वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर टू में डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर टू में है बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह आप डालेंगे टू सी, टू सी का होल स्क्वायर अपॉन टू, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी का होल स्क्वायर क्या हो गया, फोर सी स्क्वायर अपॉन टू, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर आ गया। ये करते ही फिर मेरे दिमाग में वही बात आती है कि टू को तो डिवाइड में लेकर जाना है, तो टू को डिवाइड में लेकर आ गए बी स्क्वायर अपॉन टू, इसका मतलब टू बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जब टू बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू बी को भी डिवाइड करेगा। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर सेकंड। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड ये कहता है कि ए और बी को प्राइम नहीं है, टू जो है वो ए को भी डिवाइड करता है, टू जो है वो बी को भी डिवाइड करता है, यानी कि टू जो है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर है, टू ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि मेरा जो एजम्पशन था कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, सॉरी रूट टू एक रैशनल नंबर है, वो मेरा एजम्पशन गलत था, वो मेरा एजम्पशन गलत था, तो क्या मतलब क्या है कि वो नंबर रैशनल नहीं है, और जो नंबर रैशनल नहीं होता वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। और इस मेथड को हम बोल देते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखेंगे, और बस फाइनली यही मुझे प्रूव करना था कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। बताइए जी, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप एक चीज और देखो इसमें, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, तो यहां से लेकर ये पहला आपका पहला सेक्शन ये हुआ, दूसरा सेक्शन ये हुआ, तीसरा सेक्शन ये हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम आपको कॉपी करना है, जहां जहां पर टू लिखा हुआ है ना वहां वहां पर थ्री लिख देना बस। जैसे यहां पर रूट टू है तो यहां लिख दो रूट थ्री, इधर लिख दो रूट थ्री, इधर थ्री, इधर थ्री, इधर थ्री, 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 जहां जहां पर टू है वहां वहां पर थ्री कर दो, समझ गए? तो बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। लास्ट में जाकर आप ये देखेंगे कि जब रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना है तो थ्री एक कॉमन फैक्टर निकल कर आ जाएगा, ए का भी और बी का भी। मेरी बात समझ में आ गई कि टू ए का भी और बी का भी दोनों का जैसे कॉमन फैक्टर निकल कर आया, ऐसे थ्री ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर निकल के आया, तो आपको बिल्कुल यही सेम स्टेप्स फॉलो करना है। अमन क्लियर है? क्लियर है बेटा? अमन, दिशा, दिव्यांशी? यस सर। ठीक है, बस तो इतना करिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं वेटेज बता देता हूँ इसकी, तीन नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो चार कैटेगरी के आते हैं बोर्ड में, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और पांच नंबर। ठीक, तो ये तीन नंबर का क्वेश्चन है, और आपको मैं दो तीन चीजें होमवर्क में भेज रहा हूँ, अब अभी बता रहा हूँ। होमवर्क आपका ये है, प्रूव दैट रूट थ्री, रूट फाइव एंड रूट इलेवन आर इरेशनल। ये आपको करना है, करके इसकी फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है? यस सर। यस सर। बस ये इतना कर लीजिए। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, कल वही आपका 3:30 बजे का टाइम रहेगा।